चैनल पर खाटू श्याम मंदिर हांसी से एकादशी के उपलक्ष्य में सीधा प्रसारण। एकदम भीड़ हैरान में कुछ सुना दी जाती है, ठीक है ना? दरबार की पहुंच चुकी हुई।
बनने करके ना जाने कितनी दूर तक ये बाबा का परिवार बन गया है। आइए हाजी बेटे बहुत प्यारे सा भाव, बात सबको पता है लेकिन ये अंदाज पता नहीं है, आज कुछ अलग अंदाज में कर रहे हैं। बोलिए दरबार की अंतिम भजन मेरी तरफ से। आज बाबा के आगे न जाने केक कितने प्रकार के रखे हैं, लेकिन करमा बाई के खिचड़ी का जो एक खुशबू है, खिचड़ी की जो बात है वो अलग ही है। आई का बड़ा प्यारा स्वभाव है, अंदाज कुछ अलग है लेकिन बात वही। छोटी सी आपको बता देती हूँ कि करमा बाई एक छोटी सी बच्ची हुई है राजस्थान में, जिनके घर में पूजा पाठ बाबा श्याम का भोग लग करके ही पूरा परिवार कुछ ना कुछ ग्रहण करता था। एक दिन कर्मा के माँ बापू किसी काम से बाहर जाते हैं। हर रोज कर्मा के माँ बापू ये कार्य करते थे, लेकिन आज बेटी से कहा कि बेटी कम दो, आज बाबा श्याम को भोग तुम्हें लगा रहा है। भाई जाट के घर खिचड़ी का बड़ा तालमेल रहता है, जाट हल्के फुलके में काम नहीं लेता, सारे काम छोड़ करता है। तो जाट के घर में वो छोटी सी कन्या देखा कि हर तीसरे दिन खिचड़ी बन रही है, तो बाबा श्याम को सोचते कि कैसे भोग लगाऊं कैसे ना लगाऊं, बच्ची बेचारी ना समझ छोटी और अपने हिसाब से कैसे बाबा को भोग लगाती है। सोचती कि माँ को देखा था मैंने खिचड़ा बनाते हुए, क्यों ना मैं खिचड़ा बना देती हूँ। बाजरे की खिचड़ी बना करके बड़े से थाल में डाल करके बाबा के आगे बैठ जाती है कि बाबा आओ भोग लगा। आइएगा कैसे भोग लगाती, थोड़ा सा अंदाज कुछ अलग लगेगा, क्योंकि हरियाणा की बातें कुछ अलग ही है। एक बार जोरदार ताली के साथ बोलेंगे जय हरियाणा। Oh,
गलती के कारण हाँ बाबू ने तो कह दिया ठीक है, लेकिन खा ले क्यों जिद पे Oh,
नहीं आ रही और बाबा इंतजार करते हैं। बात क्या है, बाबा को भी आदत पड़ चुकी कि लोग रोटी पे थोड़ा सा चिपकाते हैं, भोग हो गया और जल छूटी। लेकिन ये कर्मा माई भोले पर में इंतजार करते हैं कि बाबा साक्षात आएंगे। जैसे माँ बाप को बैठ के भोजन करते हैं, वैसे बाबा शाम करेंगे। कैसे नादान में कितना बड़ा काम करेंगे, लेकिन बाबा से अभी अनजान है और समझती है। कहते बाबा से क्या, सोचती है कि कभी बाबा को ये थोड़ा लग रहा हो कि तू पूरा खा ले, लेकिन महाराज खा ले, तेरे बिना हम नहीं खा सकते।
जय हो, 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 जय ह
जैकेट वाला हेलो देखिए हमारे बीच में हमारे कई गणमान्य व्यक्ति गणमान्य अतिथि यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि श्री मदन मोहन सेठी जी हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं श्री श्याम मित्र मंडल, श्री श्याम मंडल ट्रस्ट और श्री श्याम भवन ट्रस्ट की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। दूसरे हमारे आज के अध्यक्ष मनोज जी एडवोकेट हमारे बीच से परिवार पहुंचे हुए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे जिन्होंने जोर प्रदर्शित करनी है दीपक जी गर्ग वो भी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने जोर प्रदर्शित की थी। हमारे विनय जी और गौरव जी वो हमारे राहुल भाई को थोड़ी चोट लग गई थी, वो उनको लेकर के यहाँ चले गए हैं, थोड़ी देर में वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। हमारे बीच में हमारे एसडीएम साहब जितेंद्र अलावा जी जब भी हम बुलाते हैं वहां जाते हैं, आज भी हमारे यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे वाइस चेयरमैन साहब अनिल बंसल जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सुमन शर्मा जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और भी जितने भी अतिथिगण यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, मैं सभी का श्री श्याम मित्र मंडल की तरफ से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। समय निरंतर बढ़ता जा रहा है और 11:15 बजे हम केक काटने की रस्म अदा करेंगे, प्रभु के चरणों में जन्मदिन मनाएंगे। और हमारी बेटिया पूजा सावरिया भी यहाँ दरबार में उपस्थित है, मैं चाहूंगा उसकी भी हाजिरी दरबार में लगनी चाहिए ना, जरा हाथ उठा कर बताओ लगनी चाहिए ना, क्योंकि हम लोग तो हारमोनी गाते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन बिटिया जब यहाँ आई है तो उसकी भी हाजिरी लगेगी। लेकिन इसी बीच सेठी साहब कुछ व्यस्त कार्यक्रम की वजह से जाना चाहेंगे, तो मैं सेठी साहब से ये जो अनुरोध जरूर करूंगा कि अपने मुख से दो शब्द हमारे श्याम भक्तों के लिए जरूर बोल के जाएंगे। सेठी साहब ये ऐसी बात है ना, ये गलत बात है, आप रोना देना ऐसा नहीं है सेठी साहब, दरबार की जय। तो आमंत्रित कर रहा हूँ बिटिया पूजा सावरियों को कि वो एक रचना दरबार में रखेगी, क्योंकि समय सीमा का ख्याल रखना पड़ेगा, समय हमारे पास कम है। और मैं चाहूंगा कि ठीक 11:15 बजे जो केक काटने की रस्म हम अदा करें और उसके बाद हमारी मस्ती रहेगी, झूमेंगे नाचेंगे गाएंगे और अपने कहीं मनाएंगे। जन्मोत्सव है मेरे श्याम प्रभु का और खुशी की बात है कि हर बार हम लोग दरबार में मनाते थे प्रभु का जन्मोत्सव, तो वहां पर हमें चैनल गेट बंद करना पड़ता था, तो हर काफी भक्त बाहर रह जाते थे। उनका ये उदाहरण रहता था कि एक आदमी वाले जब हमें दर्शन भी नहीं करने देते तो हमें बड़ी बद्दुआएं मिलती थी। इस चक्कर में ही हम लोगों ने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि बाबा का जन्मोत्सव हम क्यों ना बाहर करें, तो बाहर आप सभी का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद हमें मिल रहा है, आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और आमंत्रित कर रहा हूँ बिटिया पूजा सावरिया को कि दरबार में अपनी उपस्थिति लगाएं। बिटिया पूजा सावरिया
कुछ करना भी है बोली खाटू नरेश की बोली हारे के सहारे की बोली लखदा तार की। आइए सबसे पहले सभी को बाबा की जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। दरबार में बैठे से भक्तों को पूजा सामने की तरफ से जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आइए श्री श्याम मित्र मंडल, श्री श्याम ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जिनके द्वारा मुझे बाबा के दरबार में एक भाव रखने का, पुष्प रखने का मौका मिले, कुछ और प्राप्त मिल जाएगी। कहते कि बाबा ना बाबा अभाव में आते हैं, ना बाबा प्रभाव में आता है, ना बाबा अभाव में आते हैं, ना बाबा प्रभाव में आता है, और जब भी आते भक्तों के कई भाव सच्चे रखने बाबा के दरबार में बाबा से मिलकर के यही अरदास करेंगे कहीं भी क्या तुम्ही कृपा सावरे बनाए रखना, 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 मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए ऐसा मेरा नसीब हो, सुनना ख्वाहिश बस इतनी सी कुछ ऐसा मेरा नसीब हो, वो अच्छा हो बुरा हो तुम मेरे करीब हो। तो तुम कौन कौन बाबा के चरणों की सेवा करना चाहते हो, चरणों से लगकर पूरी भी हाथ उठा के आए भरोसे
चलता है, चिंपल से चलता है, वो जरूर ताली बजाएगा। जिनके घर में बाबा की जोर जाती है वो ताली जरूर बजा कर बाबा को बिठाएंगे। मौका है मांडव बुलाना दरबार में, क्या पता कोई भाव से कोई प्रेमी किस भाव से बाबा को बिठा रहा बना रहा। ताली बजाओ ना, जो ताली नहीं बजा रहे वो कर क्या रहे हैं। पकड़ लो हाथ बंदे वाला।
तो ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं महसूस होगी। एक सहारा बना लो, दुनिया में कोई काम नहीं आएगा। कोई पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, एक बार काम करेगा, दो बार काम करेगा, तीसरी बार करेगा सरोज का काम है। लेकिन इसके दरबार पर हार कर जाओगी, इसलिए तो कहा है हारे का सहारा। अपनी माँ को वचन दिया था कि जो हार कर तेरे दरबार में आएगा, रस्ते में तुझे कोई कुछ भी कोई भी व्यक्ति मिल जाएगा, प्रेमी मिल जाएगा, उसे देने से इनकार मत करना। तो कौन कौन बाबा को मिले, हाथ बांधने का काम नहीं है, मौका मिला है। अगर ऐसा दरबार रोज लगता है, बेशक ताली मत बजाना। अगर पिता मानते हो प्रयालु को, भाई मानते हो, ताली तो बजानी पड़ेगी। उसे पता है कि मेरे बच्चों को मैंने क्या देना, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहोगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ
बाबू जी क्या कह रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ, व्यवस्था नहीं बिगाड़ेंगे, बैठ जाओ। हाँ जी, और गाओ बाबू जी, और भावना सुनाओ, ऐसे नाचते सुनाओ। हम एकादशी को आते हैं, लेकिन एक दो बार नहीं आ पाए और उसी कारणवश
आज फातिमा के दरबार नहीं पहुंच पाए पर यहाँ आने का मतलब मिला है इतनी खुशी है। जोर जोर आता है हमारे कैमरे भाई के लिए, जोर पर हम कितनी सेवा कर रहे हैं इनके लिए, जोर आता है। पूजा सामरिया था, देखिए जब भी एकादशी का पिछले कई एकादशियां हो गई है इस बिटिया के हाजरी दरबार में रहती है, तो मैंने कहा कि आज भी इसके हाजरी दरबार में होनी ही चाहिए। तो बहुत ही भाव से हर चरणों में अपने हाजिर लगाती है बिटिया पूजा सामरिया। हमारे मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा कि उनके स्मृति जी ने देकर के सम्मानित करें। स्मृति जी ने देव तो देखिए अब हम अपने हरि का हैप्पी बर्थडे मनाने जा रहे हैं। व्यवस्था आप लोगों की रहेगी, कोई भी अपने सामने खड़ा नहीं होगा। हमने टोपियां बहुत मंगाई है लेकिन आपकी उपस्थिति के आगे ये कम पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा रहेगा कि जो हमारे शामिल कमल की गैलरी से जाएं और केवल बच्चों को ये टोपियां उपलब्ध कराएं ताकि बच्चे सभी बच्चों को ये टोपियां मिल सके। लिच्छू भाई की तरफ बगाड़े नहीं है ऐसे करके, इससे व्यवस्था खराब होती है। एक पहले सबसे पहले तो एक लिच्छू भाई के सिर पर लगानी है और उसके बाकी ये पैकेट ले जाऊं और बीच बीच में जाकर के इनको सबको बाहर ले जाओ भाई, यहाँ यहाँ पर बाहर ले जाओ। अरे खड़ी करना फिर मैं उठा भी जाता कि अच्छा तो मैं देखी तो नहीं थी, देख ली ये ले पकड़। भाई आपको दे दिया, भर जाओ और को रेड को मेरे को यार। हाँ आप छोड़ दीजिए, Thank you.
जाइए सभी, यहाँ बिक्री के लिए खाली कर दीजिए, हट जाइए सभी, यहाँ सभी बैठ जाइए, जहाँ भी स्थान मिले बैठ जाइए। हर जो भैया आप लोग इधर आ जाओ। हाँ दीपक जी, जिन्होंने आज केक समर्पित करना चाहिए, दीपक जी गर्ग जिन्होंने आज केक काटना है, मुझे मंच पर आ जाए, आज कभी बैठ जाए भाई, यहाँ पर मत खड़े होकर पीछे हट जाइए, यहाँ पे बिल्कुल खाली कर दीजिए, यहाँ से जगह सब खाली कर दीजिए, पीछे हट जाइए सभी, अब कोई भी खर्च नहीं होगा, ध्यान रखना, सभी अपने अपने स्थान पे बैठे, इनको आने दो, आप रास्ता दे दीजिए, हट जाइए यहाँ से सारे, हट जाओ सभी, यहाँ पे हट जाओ सभी, हट जाइए यहाँ बैठ, इधर से हट जाइए, जमा दे दीजिए इनको आने के लिए, वहीं जा रहा हूँ मैं, जाने दो इनको, मेरे भाई वो जल्दी में दो मिनट फिर आ जाना, बड़े फिर आ जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर ऊपर जान दो मेरे, कौन सा चैनल लाइव आ रहा है भाई? हरियाणा पोल फोन, हरियाणा पोल फोन नहीं, देखिए आप केक काटने की रस्म आप नहीं है, सभी से निवेदन के बाद बैठ जाए, बीच की गैलरी को खाली कर ले, जो खड़े हैं कार्यकर्ता बैठ जाए, बैठ जाइए जहाँ भी आप, बैठ जाइए सभी, व्यवस्था को बनाए, इधर भाई एक बार सुनो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा साइड में हटो ताकि फोटो आए, ऐसे नहीं, हाँ बिच्छू इधर लेना, अगर मेरा फोन बढ़ गया, अच्छा तो पीछे हट जाएगा आज, बोलो आप सभी को श्याम बाबा के जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और मेरी तरफ से भी बहुत शहरवासियों को जबरदस्त बधाई, बोले श्याम प्यारे की हारे के शायरे की जबरदस्त, आइए हरियाणा हरियाणा पोल खोल के बहुत बधाई, फोटोग्राफर तो पूरा आ जाना ऊपर, एक आधा फोटो आना बढ़िया आना चाहिए यार, अरे ऊपर आ जा, हेलो वेरी गुड, जय श्याम, खुश आ जा भाई, फोटोग्राफर हरियाणा पोल खोल दी, इनको लगा गया रिपोर्टर, हेलो हां जी, फोटो मेरी भी आड़ी हुई भाई, लो सरकार, लो लो लो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, भाई जल्दी ला दो इधर फोटो, आ रही है जय श्री श्याम, आपके सारी तरफ मैं तो बोल ही ले, मैं भी देखता हूं जाना पोल पर, ठीक है सब, अरे नहीं जो बोलने बोलते भाई, बाकी में ये आए भाई, भाई दिन ये Happy birthday.
सभी को बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं मिलकर के सभी ने मेरे साथ गाना ओ मेरे श्याम मैलिया में अवतार बधाई तुम्हें बधाई हमें बधाई Thank you.
भक्तों के दुखड़ों को ये पाली में भरेगा, भक्तों के दुखड़ों को ये पाली में भरेगा। हम बने सारे कर रहे हैं, एक यहाँ पर और एक दरबार में। ये हर बार यही होता था कि दरबार की हमें चैनल गेट बंद करना पड़ता था, जिसकी वजह से आप काफी भक्त दर्शनों से वंचित रह जाते थे। तो प्रभु के ऐसे आदेश हुए कि दरबार बाहर लगाया जाए और उसके हिसाब से आज यहाँ दरबार लगा। खुशी है कि आप सभी का पूर्ण सहयोग हमें मिला। आप सभी यहाँ पर पहुंच करके प्रभु का जन्मोत्सव हमारे साथ बना रहे हो। चाहूंगा कि ये परंपरा इसी प्रकार चलती रहे और हर साल हमारा ये प्रोग्राम मंदिर के बाहर आकर के आप और हम मिलकर के हरि का जन्मोत्सव मनाएं। हमारा ये प्रोग्राम करीब करीब 12:30 बजे तक चलेगा, क्योंकि अभी जितने भी स्थानीय कलाकार हैं मैं सभी की चाहूंगा कि हाजिरी दरबार में लगे। उसके बाद चाहते ये रहा था कि अभी आप सभी को नचाऊं, लेकिन अभी नहीं, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो आप सभी हमारा सहयोग करेंगे और इसी कड़ी को आगे बढ़ाता हुआ सबसे पहले आप बैठ जाइए सभी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा मेरे साथी अभिमन्यु सोनी जी को, कि दरबार में अपने हाजिर लगाएंगे, लेकिन समय सीमा का सभी ख्याल रखेंगे, क्योंकि मैं चाहूंगा कि जितने हमारे स्थानीय कलाकार हैं सभी के हाजिर यहाँ लगे। एक मिनट, हमारे माननीय एसडीएम साहब व्यस्त कार्यक्रम होने की वजह से प्रस्थान कर रहे हैं। स्मृति में
भजन ऐसा लग रहा हूँ कि जो भजन सबकी
किस्मत की बात है, जिसकी किस्मत में इसकी नौकरी लिखी है उसकी नवाए न्यारे ही न्यारे हैं। तो जो जो आई है भक्त करना चाहते हैं नौकरी, जरा हाथ उठा के दिखाना। जो इसकी सेवा करना चाहते हैं जरा हाथ उठाना और एक जयकारा लगा देना। बोलिए लक्ष्मीदार की जय। भाई यहाँ से हम लोग सभी यार, यहाँ से सभी कुछ नहीं है, यहाँ से सभी आप हट जाइए, व्यवस्था को बनाने में हमें अंदर जगह नहीं है हमारे पास। यहाँ से हटा दो सबको, हटा दीजिए जल्दी। मैं इधर यही बोल सकता हूँ, हटा दो हटा दो, तो भले इस मामले में हो जाएंगे इसके बाद प्रोग्राम देखते हो मजा आएगा। हाँ जी अभी जी चलिए, हाँ इसकी दो दे दे बजे इसकी दो मजे अमित को दो माइक दे दिए बोले मैंने भी एक बोले ना बोलिए एक बोले ना बोलिए। तो जिसकी इसकी नौकरी करनी है उसके लिए जरा ये बड़ा सुंदर सा पुष्प आप सभी के चरणों में रखने जा रहा हूँ। बड़ी भक्ति का तार थी ये है, ये दुनिया में किस वक्त का मारा था मैं, ये हो कि तुझको पुकारा था मैं। बोलिए दुनिया में किस्मत का मारा था मैं, रो रो के तुझको पुकारा था मैं। और फिर क्या हुआ, जो तेरा मंदिर देखा आते ही माता देखा, जो तेरा मंदिर देखा आते ही माता देखा। और फिर क्या हुआ, हो गया पापा तेरा, मैं सरगर्म हो गया पापा तेरा, मैं सरगर्म हो गया। जिसको इसकी नौकरी करनी जरा हाथ उठाना। ये नौकरी एक ऐसी नौकरी है जो सरकारी और प्राइवेट नौकरी से ऊपर है। जिसको इसकी नौकरी करनी जरा हाथ उठाना और ये नौकरी उठा के करेगा। मैं सरगर्म हो गया पापा तेरा, मैं सरगर्म हो गया पापा तेरा। जिसको इसकी नौकरी परमानेंट चाहिए जरा हाथ उठाना, जरा हाथ उठाकर
Oh, my God.
प्रभु का सुंदर प्रसाद की व्यवस्था की है। आप सभी से अनुरोध रहेगा प्रसाद लेकर के ही जाए, मात्र आधा घंटे का प्रोग्राम और चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। तो मेरा अनुरोध रहेगा, यहाँ आपने इतना साथ दिया, हमारा आधा घंटा का और साथ देंगे। और आमंत्रित कर रहा हूँ मेरे साथी अशोक मसाला जी को, अशोक जी को, तमीजा जी को, कि वो एक मिनट हरी चरणों में रखेंगे। बोली हरे के सहारे की जय, बोली श्याम प्यारे की जय। थैंक यू। जो भी आप खाटू जी को घर पे बुलाना चाहते हैं, आज बाबे का व्रत है, वही भाई दोनों हाथ आगे करके मीठी मीठी काली भाई बजाएगा। बोली हरे के सहारे की जय हो, और बहुत बहुत मूल्य है मेरे श्याम बाबा से, हमारे प्रधान श्री जगदीश जी की तरफ तक वो मेरे साथ है। हमारा भाई चुप लाओ Thank you.
बरसों के लिए प्यार शाम लगाए भक्त तो कबेरा पार पल के पीछा कब से कड़ा पल के पीछा कब से कड़ा अपने भक्तों को बोल गया अपने लशा मेरे घर आया इससे बढ़िया भजन कुछ हो नहीं ना। आज बाबा का जन्मदिन था, मैंने तो बुला लिया, सभी भक्तों वाले को दुआ जगह लगा दिए। बोलिए हारे के सहारे की जय हो। एक बेटे के साथ हमारे भाई अमित बनसोती जो ध्यान में बैठा है, अमित जी क्योंकि पहले लेट है। अमित बनसोती फिर अगर मैंने बोला थोड़ा सीमा में ख्याल रखा तो काम कुछ काटे गए हारे के सहारे की जय। बाबा के स्वागत में आए हैं, दोनों हाथ उठाओ। बाबा के स्वागत में करना चाहता है अपने दोनों हाथ उठाकर। मेरी हाँसी नरेश की, मेरी खाती नरेश की, मेरी शीश के दानी की, मेरी हाथ पकड़ने वाले की, मेरे काम करने वाले की। आज किसको किसको मेरे बाबा प्यारा कर रहा है, जिसको प्यारा लग रहा है सिर्फ वही हाथ उठाना, क्योंकि आपको आपने भी मेरे चांद को भी बाबा प्यारा लग रहा है, इसलिए चांद भी बाबा का दर्शन करने आए हैं। बोले खाटू नरेश जी और एक वाली दोनों हाथ उठाते हमारे प्रधान जी के लिए जो सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। इनका जितना धन्यवाद करूं उतना थोड़ा है। हमने बाबा से यही प्रार्थना करूंगा कि बाबा इनको दुख दुखी रात में अपनी तरक्की करे और बाबा इनको अपने जगहों में ऐसे ही लगाए रखे। कहते प्रेमियों कि इरादे लाख बनते हैं मगर बन करके टूट जाते हैं और दरबार से वही आते हैं जिन्हें मेरे बाबा फूल बुलाते हैं। पानी की बोतल अगर आप मानते हैं कि बाबा की विशेष कृपा हुई है तो उठा लीजिए दोनों हाथ। हरि हर की माधार की जय हो, हरि हर के सहारे की जय हो। थोड़ी को बोलो आज इसको लग रहा है कि हम बाबा की गोदी में बैठे हैं। एक बार उठाओ दोनों हाथ, क्योंकि अगर हम बाबा की गोदी में बैठे हैं तो हमारी बाबा को अपने मन को भी बिठाना है। तो
बाबा का कैसे स्वागत करेंगे। Thank you.
Come on.
अभी तक इसकी दरबार में हाजिर नहीं हुए, दोनों हाथ उठा के हाथ लगाओ। देखिए आप लोगों की यहाँ उपस्थिति को देखते हुए यहाँ माँ जन्मोत्सव पर टोफिया और खिलौने लुटाते थे, इस बार हम वो व्यवस्था सिर्फ आपको वितरण के समय देंगे, क्योंकि व्यवस्था बनाना आपका और हमारा सबका कर्तव्य है। आपकी जितनी उपस्थिति है उसके हिसाब से यदि मैंने एक बार टोलियाँ देख करके देख ली बात लेगी, उसमें ही व्यवस्था किस प्रकार बनी है। अगर ये टोलियाँ लुटाने वाली व्यवस्था हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको जाते हुए प्रसाद वहाँ मिलेगा, उसके साथ आपको टोलियाँ भी मिलेगी, केक भी मिलेगा और साथ में लड्डू का प्रसाद भी मिलेगा। आप सभी का अनुरोध रहेगा कि प्रसाद लेकर के जाएंगे, लेकिन अभी केवल और केवल दो भजन और होंगे, आप उनके लिए हमें सहयोग देंगे। तो आमंत्रित कर रहा हूँ मेरे साथी सीताराम शर्मा जी को कि दरबार में अपने हाजिर लगाएंगे एक बैठ की और सभी को लेकर जयकारों के स्वर में लगा दीजिए, बोले हारे के सहारे की जय। एक जोरदार जयकार सभी मिलकर के लगाएंगे भाई, मैं भी बोलूंगा और आप इतनी जोर जोर आवाज में श्याम प्रभु का जयकार लगाएंगे। दरबार में कुछ भी मांग लो ये फट से देता है, जिसकी झोली खाली है झोली भर देता है, जिसने धन मांगा है धन दे दिया, इसने सब कुछ दिया है और सब झूक करके ताली बजा करके बाबा के चरणों में अर्जी लगा करके आज जरूर मांग जाइए, क्योंकि श्याम ऐसा देवता है नहीं संसार में और क्या नहीं कर सकता बंदे, श्याम का दरबार है, ये सच्चा दरबार है, इसे जरूर मांगिए।
बैठ जाइए सर। दरबार की जय। आप और हम आज अपने आराध्य देव श्री प्रभु का जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, तो समापन बढ़िया तरीके से होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो कौन कौन चाहेगा कि आज खुशी का अवसर है, कौन कौन चाहेगा कि प्रभु के साथ नाचना, कौन कौन चाहेगा हाथ उठा करके बताना भाई। एक ही जगह जरा हाथ दीजिए, खड़े हैं एक बार कैश कर दे, कभी बाद में कहेंगे नहीं हमने तो याद उठाया जाए। देखिए संत पूर्णिमा वाले दिन क्या हुआ था आप सभी को पता है, महारात हुआ था वृंदावन में, भगवान ने अपने रूप का विस्तार किया था और जिसकी जैसी भावना थी उसके अनुरूप मेरे हरि ने अपना रूप बना करके सखियों के साथ नृत्य किया था। सभी को ये लग रहा था कि कन्हैया केवल और केवल मेरा है, तो आज श्याम प्रभु भी उनका अवतार हुआ है, तो आप ऐसा समझे कि श्याम प्रभु आपके बीच में आकर के नृत्य कर रहे हैं। तो सभी से अनुरोध रहेगा केवल एक भजन होगा, उसके बाद प्रसाद वितरण की व्यवस्था रहेगी। भाई लोग अपनी लाइन में प्रसाद देंगे, माता बहने अपनी लाइन में प्रसाद देगी, व्यवस्था बनाते हुए आप प्रसाद ग्रहण करेंगे। हमारे इस भजन के बाद प्रसाद देने की व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी, आप सभी का रोज का प्रसाद देकर के जाएंगे। तो जयकारों के स्वर में लगा दीजिए, मेरे हरे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय, श्याम हमारे की जय। क्या करना होता है भजन में सबको पता है ना, लेकिन व्यवस्था बनाएंगे, भाई भाइयों में रहेंगे, माता बहने माता बहनों में रहेगी, कोई भी बैठा ना हो सभी खड़े हो जाए, सभी के हाथ की दरबार में रखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पेट किसी का भरता है जो रोटी खाता है, जो नाचेगा आज इसके दरबार से लेकर के जाएगा। और वैसे भी जिसके दरबार का नाच रहता है उसके संसार में और कहीं नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो निवेदन रहेगा सभी को कि सभी अपने हाजिर लगाएंगे, मंच पे कोई नहीं आएगी, जितने भी हमारे साथी हैं केवल वही रहेंगे, बाकी कोई मंच पे नहीं आएगा। और मिलकर के सभी, हाँ भाई मिलकर के सभी, और मेरा चांद चलो ना नाचे मैं भी नाचूंगा, 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 मेरा चांद चलो ना नाचे मैं।
लोगों का जन्मोत्सव मना रहे हैं, सभी अपने अपने मोबाइल जो है जिनके पास में उठा लीजिए और उनके लाइट जला करके दोनों हाथ ऊपर करके इसी प्रकार झूला माता आपने उनको सिद्धि दर्ज कर ली है। लाइट चलना
पूरे इंडिया में नहीं वर्ल्ड में प्रोग्राम जा रहे हैं, टीम की बैटरी खैर होगी, कोई खास बात नहीं रख रहा, लेकिन इतने भगत बैठे खड़े हैं, इतने भगत के पास मोबाइल पर सबके पास है, आज कम से कम अपनी उपस्थिति दिखाओ, वर्ल्ड के अंदर आपका फोटो जा रहा है, हांसी में प्रभु का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो आपको सिर्फ यही काम करना था कि बैटरी खोल करके और हाथ ऊपर करना है, यहाँ भी दरबार में भी हाजिरी दीजिए और वर्ल्ड के अंदर भी आपकी हाजिरी दीजिए, हांसी के भक्त कितनी मस्ती से अपने आराध्य का हैप्पी बर्थडे मना रहे थे, एक अवसर और मिल रहा है सभी को नाचने का, ज्यादा समय नहीं है क्योंकि लेट हो रहा है, हम नहीं चाहेंगे कि आपको विलम्ब से हो, सिर्फ चार लाइनें ठीक रखूंगा और सभी दर्शकों को यही करूंगा कि जिनके पास मोबाइल है अपनी लाइटें ऑफ करके और जो जो से खुल करके यही कहना, ऐसी मस्ती कहां मिलेगी शाम अमृत पीले एवं मनोहर गर्ग
और भी रह गए आप लोग दीपक जी के 51,000 रुपए हैं बोल दिए और कौन रह गया दरबार की जय। आप सभी का आज हमें पूर्ण सहयोग मिला। वैसे तो जब जब भी किसी भी प्रोग्राम का आयोजन करता है आप सभी बनकर के उसमें हिस्से लेते हैं, लेकिन ये जन्मोत्सव जो है प्रथम बार हम लोगों ने बाहर किया। इससे पहले हम दरबार में करते रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा आप लोगों ने हमें सहयोग दिया। जितने भी भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करूंगा। श्याम प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना रहेगी, प्रभु सभी की परवाह करते हुए आज के इस पावन अवसर पर आपके दरबार में हाजिर लगाइए। प्रभु सबका कल्याण करें, इनके हर मनोकामना को पूरा करें। वैसे भी हर एकादशी को मेरे हरि की विशेष अनुकंपा रहती है। एकादशी वाले दिन जो भक्त इसके दरबार में पहुंचता है तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि कोई भी समस्या लेकर के आए और वो हल ना हो। लेकिन एक निवेदन रहेगा कि जब भी इसके दरबार में आओ ना तो अपने दांत दिखाते हुए आया करो। किसी को कितनी भी तकलीफ हो इसके दरबार में आकर के रोना या मुंह सुजा करके आना नहीं है। जिसको क्यों इसको त्रिलोकी बनाते इसको तो पता है। जो इसके दरबार में हंसता हुआ आता है उसको पता है कि इसको क्योंकि त्रिलोकी बनाते उसको सब पता है कि किसको क्या तकलीफ है किसको क्या तकलीफ नहीं है। लेकिन वो भी ये देखता है कि जो मेरे दरबार में इतनी तकलीफ की बात भी हंस रहा है उसकी पहले सुनवाई होती है। तो कोशिश किया करो जब इसके दरबार में आओ ना तो घर पे सक लड़के आकर कोई खास बात नहीं है, लेकिन यहाँ इसके दरबार में जब आओ ना तो हंस के दिखाया करो हरि को, क्योंकि इसको अपने सारे बच्चे हंसते खेलते अच्छे लगते हैं और यही कृपा करेगा और यही कृपा कर रहा है। तभी तो पहले हांसी में श्याम प्रभु के मानने वाले केवल दो परिवार था, आज पूरी हांसी मेरे श्याम प्रभु को मानती है। तो ये केवल और केवल इसका चमत्कार है। इसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष का कोई योगदान नहीं है, जो भी कुछ करने वाले हैं मेरे कन्हैया है। और यही आज इसके दरबार में जो भी भक्त कुछ भी आकर के मांगता है ये उसी वक्त उसको देता है। तो ये केवल और केवल चमत्कार को नमस्कार है। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि इसके दरबार में जब भी आओ हंसते खेलते आया करो, इसके दरबार में आराम से हाजिरी लगा करके जाया करो। इसको सब पता है कि किसको क्या चाहिए, इसको बल्कि बताया भी मत करो कि मुझे क्या चाहिए, केवल इसके सामने आके खड़े हो जाया करो। बोले हारे के सहारे की जय। लगो पंडित जी आरती करो जरा जल्दी। आप देख रहे हैं हरियाणा पोर्ट में कहीं पर हाँसी श्री खाट श्याम मंदिर मित्र मंडल की तरफ से जयंती की तरफ से हमें 101,000 का सहयोग जोरदार तालियां। बेटा नहीं टपाव तरह क्या होने जा रहा है, बात बड़े बड़े। अरे इस तरह तो मारे जोर है भाई, कुछ मांगना हाँ तभी तो कहना कर नहीं नहीं इनका हमें पूर्ण सहयोग रहा, हर वक्त संभालते रहते हैं हमें। आज थोड़ा सा व्यवधान हुआ है हमारे साथी राहुल जैन जी को हाथ में चोट लगी, अचानक वो यहाँ से स्लिप हो गए। कोई बात नहीं है, जैसे भी हरि की कृपा है थोड़े में सार दिया उसने, बहुत अच्छी बात है, अपने आप संभाल लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे विनय जी हर वक्त हमारे साथ खड़े रहते हैं और आज भी 101,000 रुपया हरि चरणों में दे रहे हैं। जोरदार तालियां विनय जी के लिए। श्याम प्यारे की जय। Thank you.
आरती हो गए तो आरती के बाद प्रसाद वितरण हो जाए। आप लोग प्रसाद लो, अपने अपने घरों में जाओ, सो आराम से, सुबह बारिश की भोग लगाओ और हरी से प्रार्थना करो कि जो चीज चाहिए वो मिले आपको। ये क्या करें, तुम्हारी छुट्टी मेरी तो छुट्टी नहीं है, मुझे मेरी भी छुट्टी देखनी है ना। ठाकुर नरेश की जय, ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। Come with us.
जाएंगे कह गए दास कुमार। श्याम दा तारे की जय, खाटो नरेश की जय, शीश के रानी की जय, तमरो इच्छा पूरी करने वाले बाबा की जय। समीर माता कविता तुम्हें तुम्हें बंधु चा तुम्हें तुम्हें दरबार की जय। श्याम तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है बात किसे सुनाऊं मैं। कृष्ण के दरबार की जय, हारे के सहारे की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे Yeah.
जय राम जय जय जिन्होंने बहुत सुंदर सा चित्र आपके सभी के बनाए हैं और जितने भी पत्रकार महोदय जो वीडियो वाले यहाँ पहुंचे हुए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि आपका प्रोग्राम यहाँ से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। उन्होंने भी बहुत प्रयास किया है और पूरे आप सभी का जूता व्यवस्था की भी मैं आभार व्यक्त करूँगा। बहुत सुंदर उन्होंने प्रतिमाएं आपके संभाल के रखी है, पूरे आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आपको जिसे निवेदन करूँगा कि प्रसाद वितरण की व्यवस्था है, व्यवस्था को बनाएंगे, भाई लोग इधर से निकल करके प्रसाद ग्रहण करेंगे। बल प्राचीन दरबार माता मैडम बीत की गाली से चले जाए, बीत की गाली को खाली कर दो भाई, यहाँ पे माता मैडम काम है जल्दी।